हेलो गाइज, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ सबसे मेन काम कराने आज, जो है हेयर वॉश। तो यहाँ के सैलून में जाते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पे कितने का हेयर वॉश होता है, कैसा हेयर वॉश करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं यहाँ का भी कि कैसा होता है। गाइज, अच्छा ही होगा, आई होप। सो हम यहाँ पे हेयर वॉश कराते हैं और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इन लोगों ने कैसा किया। आई होप ये समझ जाएँ कि मुझे कैसे बाल स्टाइल कराने और सब कराने हैं, तो अच्छे से हो जाए। और उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने, ऑब्वियस। गाइज, अभी शिल्पा और मैंने एक सैलून में पूछा तो उन्होंने बताया 200 AED हमारे वॉश का और फ्लोट रहेगा। भाई साहब, हम तो लुट जाएंगे ऐसे यार। तो हम अभी एक दो सैलून में और पूछने जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ कितने का होता है। गाइज, मैंने अभी एक और सैलून से पता किया और उन्होंने मेरे बालों का बताया 180 AED यहाँ पे, और नहीं करा रही वॉश क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगा है यार। अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं अपने घर और वहाँ से मैं अब अपना हेयर स्टाइल थोड़ा बेटर करके आती हूँ। बहुत बीटी हो रही है, मन भी नहीं करता फोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराने का क्योंकि ऑयल इतना आ रहा है और हम लोग बॉटॉक्स करा के आए थे तो उसके बाद हमें वॉश करना ही था। आज रात को फिर घर पे ही कर लेंगे, कोई नहीं। अब फटाफट चलते हैं वापस से घर और बाल सेट करके आते हैं और फिर जाएंगे घूमने। तो गाइस, फाइनली मैंने चेंज कर लिया, वो फाइनली बाल बना रही है और ये शर्ट भी कैरी कर ली क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे अधूरा अधूरा लग रहा था। तो शिल्पा ने कहा टॉप पहन ले, तो मैंने पहन लिया और अब हम दोनों जा रहे हैं, दोनों सिस्टर्स मी टाइम करने, नहीं सॉरी अस टाइम करने, ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। ओके बाय। तेरी पार्टनर गाइस, हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं और अब तक नहीं आई यार, हमें वेट करते करते 5 मिनट हो गई है। गाइस देखो, सनसेट टाइम पे हम आए हैं। गाइस, पाम जो मेरा बुर्ज अल अरब, अच्छा बुर्ज अल अरब के पास, और साहिल यहाँ पे आए थे। ये सबसे सुंदर बीच है यहाँ का, तो मैंने काजल आज थोड़ी सैड थी, सोचा इसको एंजॉय करा। और बहुत ही ये सिनेमैटिक हो रखा है। एक सेकंड गाइस, मैं नॉर्मल करके वीडियो बनाऊंगी। गाइस, हमें बीच में अंदर जाना है तो हम लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कर रही है सबसे ज्यादा स्ट्रगल, बैंक्स के बैंक, हमें पता नहीं था इस वाले बीच का, इस मेरा मुंह ना लग जाए मिट्टी में, हमें पता नहीं था इधर वाली बीच पे आएंगे हम, तो इसलिए हो गया। हाँ चल उठा उठा, उठाने भी है? हाँ मेरे भी उठा गाजल, मैं तुझे इतनी सुंदर जगह लाई हूँ, नहीं उठाएगी? थैंक यू। कैसे अभी तो जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? ऑरेंज नहीं है, पिंक है। ऑरेंज नहीं है, पिंक है। हाँ और अभी हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और मैं थोड़ा व्लॉग नहीं कर रही हूँ, बहुत कितना ठंडा मतलब, और मैं भी थोड़ा व्लॉग नहीं कर रही क्योंकि मुझे एंजॉय करने का मन है। तो गाइस, मैं व्लॉग थोड़ी देर बाद करती हूँ, मैं थोड़ा एंजॉय करूँगी। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, ना जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। ये नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही हैं, ना जाओ दूर इनसे कहे ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे, ये है पता कि मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल ना माने। ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ सा तेरा भी दिल दौड़ता है, हाँ जा रहे हो दूर तुम तो क्या मैं ही। और यार इतनी ज्यादा सुंदर थी, मेरा मन है मैं दोबारा आऊँ। अब हम दोबारा डे में आएंगे, रात को तो नहीं, पर अब हम नंगे पैर ही जा रहे हैं काइट बीच गाइस, बिकॉज वहाँ पे भी शूज उतारनी है, सो हमने सोचा नंगे पैर ही चल लेते हैं। गाइस हम वहाँ से इतना चल के आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो मैंने सोचा मैं रेस्ट ले लेती हूँ। पैर भी बहुत गंदे हो गए हैं और पैर दुख भी रहे हैं, इतनी सी वॉक में पैर दुखने लग गए, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की नीड है। घर जाके बात करेंगे, तो चलो अभी फिलहाल रेस्ट कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। गाइस सिर्फ इस पानी की आवाज़ पे फोकस करो।
सो गाइस हम काइट बीच के यहाँ पे आए थे और यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत प्रिटी सी जगह है, पर यहाँ पे खाने का बड़ा मसला है गाइस। सब नॉनवेज है ऑलमोस्ट। मैं बहुत ढूंढना पड़ता है और मैं तब से आई हूँ, 5 दिन लगातार बर्गर खाया और अब मेरा बर्गर खाने का मन नहीं है। तो हम अभी सर्च कर रहे हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए, होपफुली। कितना प्रिटी लग रहा है गाइस ये। अभी शिल्पा पूछने गई है, मतलब मेन्यू चेक करने गई है, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ इधर उसका, क्योंकि मुझे जो खाना है वो सारी जगह अवेलेबल है। रैप भी खा लूँगी मैं, बर्गर भी खा ही लूँगी, बट उसको कुछ अलग खाना है। तो तब तक हम उसका वेट करते हैं गाइस। और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया ना चल चल के, क्योंकि हमने आई गेस 2 किलोमीटर से ज़्यादा की वॉक करी है उस बीच से काइट बीच तक आने में, थक गए थोड़ा सा। अभी हम खा के जाएंगे गाइस। मैंने यहाँ पे आगे कुछ ट्राई किया, ये चीटोस चीज फ्राइज। कुछ नहीं, चीज फ्राइज के ऊपर चीटोस को ना बहुत ही ऐसे क्रश करके डाल दिया, क्रम्बल करके सिर्फ चीटोस डाल दिया यार, बहुत ही। और मैंने एक और दो चीज़ और ऑर्डर किया शिल्पा और मैंने, फ्राइड राइस और नूडल्स। यार फिर भी मुझे घर पर खाना ही आना है आज। हम नहीं मान रही है यार, इसको समझाओ कमेंट्स में। आज हम कुछ और अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। फाइनली हम लोग बीच वगैरह से निकल के आए हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स, बिकॉज यहाँ पे एक क्रिसमस मार्केट लगी है जो आज ही लास्ट है। हाँ आज ही लास्ट है, तो वो हम वो देखने आए हैं। लेट्स सी कितना डिस्काउंट, कितना ऑफ, क्या मिलता है, अगर कुछ मिलेगा तो शॉपिंग। पर जो हमने वो सर पे बांधने वाले लिए हैं ना, इनको नहीं पता, घर जाके बताऊँ, घर जाके बताएंगे। गाइस यहाँ पे 50% ऑफ है और मैं सोच रही हूँ पापा के लिए कुछ ले लूँ या विवेक के लिए, 60% ऑफ भी है। और ये सब क्रिसमस की वजह से है, ये मुझे अच्छी लग रही है। और मुझे सबसे अच्छा लगा ये कोट गाइस, पर इसको ले जाने में हमारा पूरा लगेज ख़त्म हो जाएगा। गाइस मैंने इसका प्राइस पूछा, ये 1,40,000 का है, वेरी कॉस्टली यार। आज हम एक्सप्लोर करने वाले, देखते हैं यहाँ पे सेम चीज़ें हैं अलग हैं। क्रिसमस की जो शॉपिंग है उसके लिए देख रहे हैं ना मैं, क्रिसमस के लिए देख रहे हैं। बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, सही में बहुत बड़ा है। हाँ बस इतना ही है, अभी और भी है आगे, देखते हैं। गाइस ये साहिल स्वेटशर्ट लेके आए थे, तो अब हम देख रहे हैं कि कितने की है। इंडिया में इतनी है ना, सस्ती है, यहाँ का ज़ारा तो बहुत महंगा है। यहाँ पे 2,000 ये कलर कितना ज़्यादा सुंदर है भाई। अपने वहाँ ना 1,800 रुपये, 1,500 रुपये, 1,400 रुपये का, और यहाँ इतने का है, मुझे नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा गाइस कुछ। हैरान हो रही है काजल रानी, मैं सही में हैरान हो रही हूँ। मैं भी, पर फिर वही बात है ना, दुबई का ज़ारा है गाइस, दुबई का ज़ारा। सो गाइस दिस इज द मार्केट जहाँ पे हम लोगों को आना था, और अभी अंदर जाके देखते हैं कैसी है कैसी नहीं। गाइस ये है वो मार्केट, और इस मार्केट में सब क्रिसमस का सामान है, खाने का सामान है, और थोड़े बहुत ब्लैंकेट्स वगैरह हैं। इधर है क्रॉकरी, उधर है फिर से क्रिसमस का सामान। गाइस हमें मॉल ऑफ एमिरेट्स में भी चीज़ फैक्ट्री दिख गई, हम एक बार चेक करने जा रहे हैं कि कैसी है कैसी नहीं। ये वही सारे चीज़ केक हैं गाइस जो मैं खाती हूँ। गाइस हमने चीज़ फैक्ट्री में चीज़ केक तो खाए नहीं, अभी सिर्फ देखे हैं,
कल या परसों आएंगे तो खाएंगे। और मैं अभी इधर बैठ गई क्योंकि मेरी बैक हद से ज़्यादा पेन कर रही है, मतलब चला नहीं जा रहा मेरे से, मुझे घर जाना है बस, मैं और नहीं घूम पा रही गाइस। तो अभी घर चलते हैं और फिर मिलते हैं। क्या हो गया? पैर इतने ज्यादा दुख रहे, हम लोगों ने 2.5-3 किलोमीटर की वॉक करी है और बिल्कुल डेड फील हो रहा है। डेड जिसको कहते हैं, मतलब मेरा वूफी भी देख ले कैसे बैठा हुआ है। बहुत वीक फील हो रहा है मुझे आज, बहुत लो फील हो रहा है। 5 दिन हो गए ना भागा दौड़ी में, तू अब रेस्ट कर। ब्लॉग की भी टेंशन होती है कि ब्लॉग एंजॉयमेंट नहीं है। हम ब्लॉग के चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है और ये लोग देख भी नहीं रहे। गाइस व्यूज लाओ मेरे ब्लॉग पे, शेयर करो अपने घर में, सबको दिखाओ। गाइस शिल्पा ने ये वाला खेला था, मैं ये वाला खेलूंगी। मैं देखना 1 रुपए के सिक्के से 10 पॉइंट उठाना, इधर डाल देना। उठा लियो भाई मुझसे तो उठाने था कुछ भी। काजल अभी है तेरे पास टाइम? कहाँ है टाइम भाई? नीचे देख नहीं रहा। मेरे 1 रुपए वापस भी कर।